काफ़ी बार क्या होता है ना कि बच्चों को हमारी वजह से बहुत दर्द झेलना पड़ता है दांतों में, तो हम कोई गलती कर देते हैं उसके कारण बच्चे के दांतों में कीड़े बनने लगते हैं और दांतों में बहुत तेज़ दर्द होता है और फिर तो दांत निकलवाने भी पड़ सकते हैं। तो वीडियो लेके आई हूँ, अगर आप बच्चे को रात को खाना खिला रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे रात को दूध पीते हैं और दूध पीने के बाद ऐसे दूध पीते पीते सो जाते हैं, तो आप ये गलती मत करना। अगर बच्चे को रात को आप दूध पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, अगर बच्चा ब्रश नहीं कर सकता तो उसको आप एक बार कुल्ला ज़रूर करवाएं। अगर कुल्ला भी नहीं करा तो कॉटन लेके पानी का भिगो के और एक बार उसके दांत साफ़ कर लीजिए, नहीं तो दांतों में कीड़े बनने लग जाएंगे। अगर इस तरह की आप सावधानी बरतेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम एक घरेलू नुस्खा भी अपना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 लहसुन की कलियाँ ली हैं और अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे या क्रश कर लेंगे। मैं इनको क्रश कर रही हूँ। लहसुन जो होता है, जो दांत के कीड़े होते हैं उनको मारने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये देखिए, इस तरीके से हमें लहसुन को क्रश कर लेना है और फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा, जो हम खाने में यूज़ करते हैं, और आधा चम्मच जितना हमें बेकिंग सोडा लिया था उतना ही हम लेंगे हल्दी। जो हल्दी है, जो हमारे दांतों का जो पीलापन है उनको निकालने में काफ़ी हेल्प करेगी। और 2 चम्मच के करीब हम लेंगे नींबू का रस। नींबू का रस भी हमारे दांतों में यही काम करेगा, पीलापन हटाने में दूर करेगा और जो मुंह की बदबू है उसको भगा देगा। और अब हम इनको आपस में मिला लेंगे और फिर हम लेंगे आधा चम्मच के करीब, आप कोई भी जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं, आधा चम्मच हम टूथपेस्ट ले लेंगे। और फिर हम इनको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, मिलाने के बाद इस तरह की ये क्वांटिटी में हो जाएगा। अगर आपसे हो सके तो रात को सोते टाइम इस जो ये मैंने टूथपेस्ट बनाया है इससे आप डेली ब्रश करना, देखना आपके मुंह की जो बदबू है वो भी निकल जाएगी और जो दांतों का पीलापन है वो भी निकल जाएगा और दांतों में कीड़ा भी नहीं रहेगा और जो दांतों में दर्द होता है वो भी नहीं होगा। तो इसको करना कैसे है, जैसे हम नॉर्मल टूथब्रश करते हैं उसी तरीके से हम इस पे ये लगा लेंगे हमारा जो पेस्ट है थोड़ा सा, और फिर हम दांतों पे कर लेंगे। देखिए, आपसे हो सके तो बच्चों के दांतों पे आप खुद ही ब्रश करिए क्योंकि बच्चे को इतना अच्छे से नहीं कर पाता है बच्चा क्लीन। और इसको जो ये पेस्ट बनाया है इसे आप बड़े लोग भी कर सकते हैं, छोटे भी आराम से आप इसको कर सकते हैं। और फिर आपके दांतों में जो गंदी बदबू है, जो दांत पीले हो गए हैं, अगर कीड़े हैं, दांतों में दर्द है, वो भी नहीं होगा। एक बार आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।